नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी की नई सीरीज पर जिसका नाम है आवाज हूं मैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें। सिनेमा अर्थात फिल्में मॉडर्न साइंस का गिफ्ट हैं। फोटोग्राफी के बाद कभी अवश्य किसी के मन में ये ख्याल आया होगा कि यदि चित्र चलते फिरते दिखाई दे तो कितना अच्छा हो। सबसे पहले साल 1996 को भारत में पहली बार फ्रांस के लुमियर ब्रदर्स ने चित्रों को चलाकर दिखाने वाला एग्जीबिशन किया। धीरे धीरे तकनीक का विकास हुआ और अपने देश में दादा साहब फाल्के ने सन 1917 में राजा हरिश्चंद्र नाम की फिल्म बनाई जिसमें आवाज नहीं थी। टेक्नोलॉजी का विकास किया गया और आने वाले समय में लोगों को बोलती हुई फिल्में देखने को मिली। फिर धीरे धीरे लोगों का सिनेमा के प्रति आकर्षण बढ़ा और फिल्में मनोरंजन का प्रमुख साधन बन गईं। भारत जैसे देश में जहां हजारों रीजनल भाषाएं हैं, वहां हर भाषाओं में फिल्में बनाई जाने लगीं। दोस्तों, ये रीजनल फिल्में सिर्फ एक दायरे तक ही सीमित थीं और इसे बड़ा करने के लिए जरूरत पड़ी वॉइस आर्टिस्ट की, जो फिल्मों को अलग अलग भाषाओं में डब करके उनकी रीच बढ़ा देते हैं। इन्हीं वॉइस आर्टिस्ट के दम पर आज वो दौर आ चुका है जब रीजनल फिल्में कमर्शियल हिंदी फिल्मों को कड़ी टक्कर दे रही हैं और भाषा नाम का बैरियर पूरी तरह से टूट चुका है। आज इन्हीं वॉइस आर्टिस्ट की वजह से हम अपनी फिल्मों को देश विदेश तक पहुंचा पा रहे हैं और उनकी फिल्मों को देख पा रहे हैं। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम पर्दे के पीछे के उन शख्स को भी जानें जो हमारे पसंदीदा एक्टर्स को अपनी आवाज़ देते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, अपनी इस सीरीज के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे इंडियन डबिंग इंडस्ट्री के वन ऑफ द टॉप वॉइस आर्टिस्ट संकेत मात्रे के बारे में। पता है जूली, वो बेस्ट से भी बेस्ट से भी बेस्ट है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, संकेत मात्रे पिछले 11 सालों से डबिंग के क्षेत्र में एक्टिव हैं और 100 से अधिक फिल्मों में अपनी आवाज दे चुके हैं। साउथ की फिल्मों के अलावा ये हॉलीवुड मूवीज, एनिमेटेड शोज, डिस्कवरी चैनल और कार्टून नेटवर्क के कई शोज में अपनी आवाज दे चुके हैं। ठीक है, हंसना जब मैं तुम्हारा मुंडी मसाला खाऊंगा, सबकी मुंडी सफा चट कर जाऊंगा। इन्होंने रामचरण, रामपोथी नैनी, सूर्या, जूनियर एनटीआर, नागा चैतन्य, थलापति विजय, धनुष, नितिन और राघव लॉरेंस जैसे दर्जनों साउथ के एक्टर्स को अपनी आवाज दी है। लेकिन इनकी आवाज जिस एक्टर पर सबसे ज्यादा सूट होती है वो है स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन। अब एक नया युद्ध आरंभ होगा, उसकी ताकत मेरा क्रोध, उसका अहंकार और मेरी जिद के बीच अब ये जंग का ऐलान है। इनकी आवाज अल्लू अर्जुन पर इतनी फिट बैठती है कि लोग अल्लू अर्जुन की खुद की आवाज के आगे संकेत मात्रे को सुनना ज्यादा प्रेफर करते हैं। दोस्तों, अल्लू अर्जुन की कुछ फिल्में जैसे कि एक और रक्षक, एक और ज्वालामुखी, आर्या वन, आर्या टू और बद्रीनाथ जैसी फिल्मों को छोड़ दें तो अल्लू अर्जुन की ऑलमोस्ट सभी फिल्मों में संकेत मात्रे ने ही अपनी आवाज दी है। आज ये अल्लू अर्जुन सर की आवाज बन चुके हैं और इन्हीं की दमदार आवाज के पीछे अल्लू अर्जुन और उनके डायलॉग्स नॉर्थ में इतने ज्यादा पॉपुलर हुए हैं। दोस्तों, संकेत मात्रे का जन्म 27 जुलाई को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। ये बचपन से ही कुछ अलग और क्रिएटिव करना चाहते थे। हालांकि पढ़ाई खत्म होने के बाद इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करी और माइक्रोसॉफ्ट गेम्स में जॉब करने लगे। इस बीच ये अपने पैशंस को भी फॉलो करते जा रहे थे और थिएटर्स कर रहे थे। अपनी जॉब से ये कुछ ज्यादा खुश नहीं थे और हमेशा क्रिएटिव कामों में जुड़े रहते थे। आगे चलकर इन्होंने अपनी सेविंग से एक स्टूडियो खोला जो कि विक्रोली मुंबई में था। हालांकि उस दौरान अधिकतर स्टूडियोज अंधेरी में हुआ करते थे, लेकिन इनका स्टूडियो ठीक ठाक चल निकला। बेसिकली इनके स्टूडियो में बैंड्स वगैरह अपना रिकॉर्ड किया करते थे। इसी दौरान एक क्लाइंट इनके पास आते हैं जो कि बच्चों के लिए एवी रिकॉर्ड करवा रहे थे। इत्तेफाक से उस दिन उनका आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। काम जरूरी था इसलिए संकेत मात्रे ने खुद ट्राई किया और उनका काम काफ़ी बेहतर भी था। दोस्तों, उसी क्लाइंट ने इनकी रिकॉर्डिंग को कई जगह फॉरवर्ड कर दिया और बस एक के बाद एक इनको काम के ऑफर आने लगे। अब इनका ज़्यादातर काम अंधेरी से हो रहा था, इसलिए मजबूरन इनको विक्रोली का अपना स्टूडियो बंद करना पड़ा और ये डबिंग के फील्ड में पूरी तरह से उतर गए। हालांकि बड़ा ब्रेक मिलने से पहले ये क्राउड आर्टिस्ट के तौर पर भी काम करते हुए नजर आए। दोस्तों, क्राउड आर्टिस्ट वो होते हैं जो फिल्मों में क्राउड वाले सीन में भीड़ की आवाज़ बनते हैं। शुरुआती दिनों में इन्होंने वांटेड और चक दे इंडिया जैसी मूवीज में क्राउड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। दोस्तों, संकेत मात्रे को डबिंग की फील्ड में आए हुए 4 से 5 साल हो चुके थे। इस बीच इन्होंने कड़ी मेहनत करी, अपने आप को उभारा और तैयार किया। इन्होंने कई रातें स्टूडियो में बिताई हैं और वहीं के इंजीनियर से रिक्वेस्ट कर करके इनको अपनी शुरुआती फिल्मों में छोटे मोटे किरदारों को आवाज़ देने का मौका मिल जाता था। आज देखिए ये शख्स किस मुकाम पर पहुंच चुका है। इसे कहते हैं रियल टैलेंट एंड दिस टैलेंट शुड बी सपोर्टेड। दोस्तों, अगर इस वीडियो पर आप सबका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम कोशिश करेंगे इस चैनल पर संकेत मात्रे सर का इंटरव्यू करने की। आई होप सो ये वीडियो संकेत मात्रे सर तक पहुंच जाए। दोस्तों, संकेत मात्रे को जो पहला बड़ा ब्रेक मिला था वो था बेंटेन।
ये एक टेलीविजन एनिमेटेड सीरीज थी और इसमें इन्होंने मेन लीड और विलन दोनों के लिए ऑडिशन दिया था। इसमें इनको बेंटेन के लिए फाइनलाइज कर लिया गया था, जिसमें इन्होंने 11 तरह की आवाजें निकाली थीं। और ये शो कितना ज्यादा पॉपुलर हुआ था इसे तो आप जानते ही होंगे। इसके बाद ये काफी लंबे समय तक डिस्कवरी चैनल के साथ जुड़े रहे और कई एनिमेटेड सीरीज में अपनी आवाज दी। देन अचानक से साउथ फिल्मों का नॉर्थ में क्रेज बढ़ने लगा, जिसने संकेत मात्रे जैसे कई आर्टिस्टों को बेहतर काम करने के मौके दिए। सबसे पहले संकेत मात्रे ने चिरुट्टा मुई में रामचरण को अपनी आवाज दी। इसके अलावा इन्होंने रामचरण को मगधीरा, रचा, येवड़ू, येवड़ू 2, नायक और ऑरेंज जैसी फिल्मों में भी आवाज दी है। दोस्तों, संकेत मात्रे ने जूनियर एनटीआर को वृंदावनम, शक्ति, धामू, टेम्पर, जनता गैरेज, रमैया वस्तावैया, बादशाह और रबासा जैसी फिल्मों में भी अपनी आवाज दी है। इसके अलावा इन्होंने महेश बाबू को स्पाइडर, अगाड़ू, एक कदम, द रियल तेवर और बिजनेसमैन जैसी फिल्मों में भी आवाज दी है। वहीं इन्होंने सूर्या को चेन्नई वर्सेस चाइना और सिंघम जैसी फिल्मों में आवाज दी है। इसके अलावा इन्होंने राम पोथी नैनी को हाइपर और नैनू सेल्जा जैसी फिल्मों में भी आवाज दी है। इन्होंने लिंगा, फिदा, जवान, कंचना और नैनू लोकल जैसी सैकड़ों फिल्मों में अपनी आवाज दी है। दोस्तों, संकेत मात्रे ने नानी, नागा चैतन्या, वरुण तेज, राम पोथी नैनी, साई धर्म तेज, विशाल, थलापति विजय और धनुष से लेकर रजनीकांत सर तक को अपनी आवाज़ दी है। आज साउथ की हर चौथी फिल्म में इन्हीं की आवाज़ सुनने को मिलती है। इसके अलावा ये डेडपूल, फास्ट एंड फ्यूरियस, आयरन मैन, शर्लक होम्स, घोस्ट राइडर और एवेंजर एंड गेम जैसी दर्जनों हॉलीवुड की फिल्मों में भी अपनी आवाज़ दे चुके हैं। दोस्तों, डेडपूल 1 में संकेत मात्रे ने ही अपनी आवाज़ दी थी और ये मूवी इंडिया में बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। आगे चलकर डेडपूल 2 में संकेत मात्रे को हटाकर रणवीर सिंह को ले लिया गया था। दोस्तों, लोग इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए थे और उन्होंने रणवीर सिंह की आवाज़ को सिरे से नकार दिया था। आज संकेत मात्रे किसी की पहचान की मोहताज नहीं है। हम चाहेंगे कि आगे भी हमें ऐसे ही एंटरटेन करते रहें। तो दोस्तों, ये रहा संकेत मात्रे सर पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो। आपको संकेत मात्रे सर की आवाज़ कैसी लगती है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस डबिंग आर्टिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।